नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो भी 2022 में इंटर का एग्ज़ाम दिए थे उनका जो है रिजल्ट 16 मार्च को 3 बजे के लगभग जो है घोषित कर दिया गया था। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना रिजल्ट चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि पिछले साल से बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है। हम रिजल्ट की बात करें, एक बार रिजल्ट पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो ओवरऑल की हम बात करें सभी सब्जेक्ट का मिलाकर, तो यहाँ पे 80.15% जो है बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया, मतलब एक तरह से रिकॉर्ड रखा गया है बिहार बोर्ड के तरफ से। और बिहार बोर्ड मतलब पहला ऐसा राज्य है जो आपको सबसे पहले रिजल्ट यहाँ पे दिया है। वही हम साइंस में बात करें तो 79.8% यहाँ पे जो है रखा गया है, और कॉमर्स में 90.38% जो है बच्चे पास हुए हैं। और वही आर्ट्स की हम बात करें तो 79.53% यहाँ पे स्टूडेंट पास किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। अब इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि जैसे कि आप सभी को पता ही होता है कि जो भी बच्चे पास कर जाते हैं, मतलब स्टूडेंट पास कर जाते हैं, उनको जो है सरकार के तरफ से कई तरह के स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ 20% लगभग यहाँ पे बच्चे फेल हुए हैं, तो फेल होने की स्थिति में आप किस तरह से अपने कापियों का जांच करवा सकते हैं, या फिर आपने आप पास भी कर गए हैं बट नंबर जो आपको मिला हुआ है उसे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने कापी को रीचेक में डलवा सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट यहाँ पे फेल कर गए हैं, 2 से 3 मतलब विषय में क्रस लग गया है, तो वो भी चाहे तो अपने कापी का रीचेक करवा सकते हैं। और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम होता है वो भी दे सकते हैं, मतलब कि उनको लगता है कि नहीं इसी सेशन में हमें मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना है, तो उस कंडीशन में 1 से 2 विषय में उनका क्रस लगा हुआ है, तो चाहे तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देकर भी पास करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। नहीं तो आपको अगले साल भी मौका मिलता है एग्ज़ाम देने का उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही होता है कि जो भी बच्चे यहाँ पे मतलब कि जैसे संकाय होता है आर्ट साइंस कॉमर्स में जो है टॉपर होते हैं, तो उनका जो है टॉप 5 में नाम आता है, तो जो है टॉपर्स में आते हैं, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल जितना भी जानकारी होगा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे संतुष्ट नहीं हैं अपने मार्क्स को लेकर, चाहे वो फेल किए हैं या फिर पास किए हैं, और संतुष्ट नहीं हैं कि हमने जो भी उत्तर लिखा था उसके हिसाब से हमें मार्क्स नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में वो जो है स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सरकार जो है हर सारे मौका देती है कि आप अपने कापी का फिर से रीचेक करवा सकते हैं, जिसमें अगर आपको नंबर बढ़ने वाला होगा तो बढ़ जाएगा, घटने वाला होगा तो घटता भी है। तो इसके लिए देखिए एक डेट निकाला जाता है, हालांकि डेट तो कोई ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से नहीं बताया गया है, बट बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि 33 मार्च से यहाँ पे आवेदन शुरू होगा। तो इसके लिए फॉर्म को फिल करना होता है, पर कापी आपको 70 रुपया देना होता है, यानी कि 70 रुपीज़ आपको देने होते हैं, उसके बाद ही आपका कापी का फिर से निकाल कर चेक किया जाता है, और आपको नंबर अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा दिया जाता है, नंबर घटाए भी जा सकते हैं, तो इस तरह से मतलब होता है। तो इसके लिए अभी फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, जैसे ही फॉर्म फिल होगा तो आपको हम बता देंगे कि इस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे। इसमें फेल पास दोनों स्टूडेंट अपना कॉपी का जाँच करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आप फेल कर गए हैं किसी न किसी विषय में, कापी का रीचेक भी करवा लिए बट आपको मतलब अच्छा खासा नंबर नहीं मिला, पास नहीं हुए, तो आप चाहते हैं कि इसी सेशन में हमें पास करना है और आगे एडमिशन लेना है, तो उस कंडीशन में जो सप्लीमेंट्री होता है जिसके माध्यम से आप जो भी विषय में फेल किए हुए हैं उसमें एग्ज़ाम आपको फिर से देना होगा, उसके बाद गवर्नमेंट बिहार बोर्ड आपको पास करेगी, उसके हिसाब से आप इसी सेशन में ग्रेजुएशन में या फिर जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको मतलब एग्ज़ाम देना होता है, तो उसके लिए भी कोई अपडेट अभी नहीं है, लेकिन अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तीसरा कंडीशन ये भी होता है जैसे कि जो भी बच्चे फेल कर गए हैं और वो चाह रहे हैं कि नहीं हमें अब अगली साल एग्ज़ाम देना है, तो अगली साल जो भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके अगली साल एग्ज़ाम 2023 में एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मतलब बेसिक जानकारी है, आप सभी को पता ही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो भी टॉपर आए हुए हैं उनको कितना पैसा मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो भी लोग पास कर गए हैं 2022 में उनको जो है स्कॉलरशिप क्या मिलेगा। तो लास्ट की बात है, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो भी टॉपर हुए हैं उनको जो है क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि टॉप 5 में जिनका भी नाम आया है, चाहे वो आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो टॉप 1 पे हैं उनको 1 लाख रुपया, एक लैपटॉप और एक ई बुक रीडर होता है जिसमें बुक रीड करने के लिए आपको मतलब ऑनलाइन आप बुक उसमें पढ़ सकते हैं, वो दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सेकेंड पे हैं उनको जो है 75,000 रुपये, एक लैपटॉप और यहाँ पे एक रीडर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो टॉप 5 में थर्ड लेवल पे हैं उनको जो है 50,000 रुपये, एक लैपटॉप और उनको भी बुक रीडर दिया जाएगा। वही जो 4th से लेकर 5 के
पोजीशन पे हैं उनको जो है 15,000 रुपया एक लैपटॉप और एक यहाँ पे बुक रीडर भी उनको दिया जा सकता है। तो ये जो है टॉपर हैं उनको ये मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट इंटर 2022 में पास किए हुए हैं उनको जो है सरकार की तरफ से कौन कौन सा स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। तो फिलहाल सबसे पहले स्कॉलरशिप दिया जाता है, आप सभी को पता ही होता है कि जो भी लड़कियाँ होती है तो लड़कियों को क्या होता है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक यानी ग्रेजुएशन पास करने तक 84,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसमें से जो लड़की इंटर में पास करती है उसको जो है 10,000 रुपये की सहायता राशि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो 2022 में जो भी लड़की पास की है, केवल इंटर में लड़की की हम बात कर रहे हैं, तो उनको जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होगा। हालांकि फॉर्म अभी फिल नहीं हो रहा है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 2021 में जो भी लड़की पास की है उनका जो रजिस्ट्रेशन हो गया है बट यूजर नेम पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है। तो 2021 का कंप्लीट नहीं हुआ तो 2022 के तो बारे में आपको सोचना ही नहीं है, अभी वेट करना पड़ेगा। तो 2022 में जो भी लड़की पास की है उसके लिए एक फॉर्म निकलेगा, फॉर्म को फिल करना होगा और उसके बेस पे 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि अभी इसको बढ़ाया भी जा सकता है क्योंकि सरकार बीच में कही थी कि 25,000 रुपये देना है, तो हो सकता है कि आपको 25,000 भी मिल जाए। तो ये बेनिफिट लड़कियों को मिलता है। साथ ही साथ जो लड़के होते हैं तो उनके लिए तो कभी अभी कोई ऐसा बेनिफिट आता नहीं है, बट आएगा कोई भविष्य में बेनिफिट तो आपको हम बता देंगे, आप भी स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया है उससे आपको अच्छा खासा जानकारी मिला होगा। फिर भी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे पास नॉलेज होगा उसके हिसाब से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।